अब धुन चल पड़े ना, अब धुन चल पड़े तो सपेरे कई बार है ना, जब सांप को निकालते हैं तो पहले सांपों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लोगों को मोहित कर लेते हैं, और फिर जो वो सपेरे के जो सांप होते हैं ना, थके हुए सांप होते हैं, जिंदगी से हारे हुए था वो भाग नहीं सकते। इसको आप थका हुआ मत समझना। नहीं 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 नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 33 से आपको दिखा रहे हैं। एक कोबरा सांप यहां पर मिला है, बताया जा रहा है कि लोगों ने पहले इसे देखा और जंगल की तरफ से जहां पर थोड़ी झाड़ियां हैं उस तरफ से जो है ये आ रहा था और अचानक घर में जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जो बाहर बैठे थे उन्होंने देख लिया और ये बाहर के गार्डन में छिप जाता है। आप देखिए जो तुलसी वगैरह है उनके पीछे फिलहाल ये बैठा हुआ है और कोबरा ये बताया जा रहा है। फन जो है कोबरे का होता है और अक्सर जो है ये काले रंग का भी देखने को मिलता है। और ये देखिए अभी फिलहाल जो है मौके पर स्नैकमैन हैं सतीश फफड़ाना, उनको बुलाया गया है क्योंकि किसी भी तरीके से जो है ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसे आप पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि अभी जो है इनका सीज़न बताया जा रहा है। ये अक्सर जो है निकलते हुए देखे जा रहे हैं, जगह जगह पर अलग अलग तरीक़ों के सांप निकल रहे हैं। ऐसे में आप देखिए ये कोबरा सांप जो है आज निकला है और ये सांप जो है इसके साथ जो है आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज भी इंजेक्शन बताया जाता है। हालांकि अगर आप अस्पताल से 20 से 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी भी नहीं बच पाएगी, इसीलिए कभी भी कोबरा जैसे सांप से जो है खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें, स्नैकमैन को सूचित करें अगर आपके आसपास इलाके में ऐसा सांप देखा जाता है। ये देखिए जो है ये फिलहाल जो आपको नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से फन फैलाकर खड़ा हुआ और ऐसे में जो स्नैकमैन है वो इनसे बातचीत कर रहे हैं। ये चेतावनी दे रहा है जी दूर रहने के लिए, दूर रहने के लिए। हाँ दूर रहने के लिए चेतावनी, तो दूर रहो इससे। तो देख सकते हैं स्नैकमैन को फिलहाल जो कह रहे हैं कि चेतावनी देते हुए ये नज़र आ रहा है क्योंकि अक्सर जो है स्नैकमैन सतीश फफड़ाना है वो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, उनको सांपों की हर एक नस्ल का पता है, वो देखते ही बता देते हैं कौन सा सांप है जहरीला है नहीं, कैसे पकड़ा जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से फिलहाल जो है ये आपको नज़र आ जाएगा, स्नैकमैन सतीश फफड़ाना की तरफ ही जो है वो देखता जा रहा है क्योंकि उनके हाथों में एक छड़ी नज़र ज़रूर आ रही है। हालांकि सांप को काबू करने के लिए वो जो है इसको रख, फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे जैसे स्नैकमैन घूम रहे हैं वैसे वैसे ये सांप जो है आपको घूमता हुआ नज़र आ जाएगा। और ये कोबरा है जो है सांप होता है और ये नाक कहलाता है क्योंकि जिस तरीके से इसका फन होता है आपने अक्सर ऐसा नहीं देखा होगा। देखिए बातचीत करते हुए तो बीन पे कैसे नाचता है फिर भाई, जैसे अब मैं इसको ही लाऊंगा ना ये ऐसे ही करेगा। तो अब आप देखिए, तो आप देख सकते हैं अब धुन चल पड़े ना, अब धुन चल पड़े तो सपेरे कई बार है ना, जब सांप को निकालते हैं तो पहले सांपों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, लोगों को मोहित कर लेते हैं, और फिर जो वो सपेरे के जो सांप होते हैं ना, थके हुए सांप होते हैं, जिंदगी से हारे हुए था वो भाग नहीं सकते। इसको आप थका हुआ मत समझना। नहीं 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 चिंता ना करो। फिलहाल इस सांप को जो है यहाँ से लेकर जाया जाएगा करनाल के सेक्टर 33 की ये तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। और स्नैकमैन जो है करनाल पहुँचे जो है उनके पास कॉल जाती है कि एक कोबरा सांप देखा गया, बहुत ज़्यादा जहरीला बताया जा रहा है। अगर कोई पकड़ेगा तो भाई अपने रिस्क पर पकड़ियो, हमें कल ना मत यू कोई हो भाई, मतलब जिंदगी दोबारा नहीं आती। भाई आप उधर देखो, इधर मत देखो, कोई 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 बात नहीं। दस्ताना जी मेरा कल कौन रह गया था, और वो बंदा करनाल का ही है, अभी उससे दस्ताना लेके फिर कौन जाना है, अभी मशीन के नीचे सांप है। काफी पीछे हो लिया कभी, अब फिर डंक मारा। सुबह छह बजे जी बालू से सांप पकड़ लिया था हमने, फिर जींद से पकड़ा, उसके बाद पानीपत से पकड़ा, फिर यमुनानगर से पकड़ा, फिर घर गए, अब करनाल से पकड़ा और अब कौन से पकड़ा। पहले इसको पकड़ के बैग में डाल दो, इसको इसके बाद बात कर लेंगे। कौन सा सांप है ये जी? स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, नाग बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ, और बहुत जहरीला सांप है, अगर काट गया ना तो ये नहीं पता भाई, बंदा 20 मिनट में भी मर सके और 40 मिनट में भी मर सके। अच्छा। काट गया तो इसके दांत बढ़े हैं, ग्रंथि बड़ी है, मतलब सच में इतना जहरीला है, बहुत जहरीला जी। बस जो लोग शहर के नजदीक है वो भाग्यशाली है, जो शहर से 50 किलोमीटर दूर गांव है वो तो उनको काट गया तो किसी तरह भी हॉस्पिटल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या इसका? फिर उसके बाद ट्रीटमेंट तो एंटीडोट है, सांप है कोबरा नाग।
फिलहाल देख सकते हैं जहरीला सांप ये बताया जा रहा है और इससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ इलाज जिसका एंटीडोट होता है। अगर ऐसे में कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है, कोई कोबरा सांप जो ऐसा दिखता है, आप देखिए इसका फन आपको नजर आ जाएगा, अगर ऐसे किसी सांप ने आपको काटा है तो तुरंत से तुरंत अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो है एंटीडोट लगवाए, क्योंकि इसका कोई भी और इलाज नहीं है। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आए। 5,000 लेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है भाई। कदे कोई कल ना हुआ फैलावर कोई भाई, ये सर भी पूछे थे भाई कितने हजार लोगे, 1,000 जोर कुछ भी लेते, तुम्हारा तेल तेल दे दियो। क्यों जी? नहीं नहीं तेल के तो आपके देखो। हाँ तो महा जो हमारा तेल लगेगा वो दे दियो जी, ना तो हम 2,000 लेते, ना 4,000 लेते, ना 5,000 लेते, ठीक है ना जी? तो जीवन आप छोड़ भी तो दे, जीवन से पड़े थोड़ी हस्ती रह जा क्या पैसे? नहीं नहीं रखो जी, तेल खुश होकर दे रहे हो ना? हाँ ना व्यास कुछ बात। देखो जी तेल का सर, दे आपने दे। आपने देखा था सांप यहाँ पे? हाँ जी मैंने देखा जी, यही यही जा रहा था, ये मैंने देखा। अच्छा आपने देखा था, काफी खतरनाक सांप बताया जा रहा है आपके सामने ही है। तो मतलब देखो छोटे छोटे बच्चे, बस इसीलिए तो इनको फोन किया जी जी, क्योंकि हमारी भी मतनी हुई इतना खतरनाक है, क्योंकि मैंने देख लिया था ये कोबरा ही लग रहा था मुझे, तो हमारी भी हिम्मत नहीं हुई इसको मारने की या कुछ भगाने भगुने की, फिर इनको फोन किया था, फिर आगे थे। तो सर काफी लोग कोशिश करते हैं अपने आप पकड़ने की, ऐसा खतरनाक सांप है, कई बार घातक भी साबित हो जाता है। ऐसा कोई कोशिश करे भी ना, बाकी प्रजाति की पहचान होनी चाहिए, उसके बाद तजुर्बा अच्छा होना चाहिए, कलाकारी है ये और रिस्क काम है, और दूसरा की भाई 9 जगह से सांप पकड़ लिया। अच्छा, और सीजन आ गया, और मैं आपको सच बताऊं कि 3 रात मेरे को बिना सोए हो गए। अगर रात न एक जगह भी सांप पकड़ने जाना पड़ जाए, अनाज की टंकी रखी है, कट्टे रखे हैं, स्टोर सामान का भरा पड़ा है पूरा। भाई वैसे एक बात बताऊं, सोना तो जरूरी है आपको, मान लो सांप पकड़ते हुए नींद आ गए फिर क्या करोगे? अब पता है जी मेरे पास टीम है, अब यू भाई गाड़ी चलाओगे, मैं गाड़ी में सोऊंगा। अच्छा हाँ, जब अगले की मंजिल आ जाएगी, लोकेशन आ जाएगी। ये कहना चाहता हूँ, देखो मजाक अपनी जगह है, अपना भी ख्याल रखो। हाँ जी, क्योंकि जब आप स्वस्थ हो गए तभी सांप पकड़ पाओगे। हाँ जी ये तो है जी, पर ये कई बार ये है ना, मैं अगर सो गया और फोन बजता रहेगा फिर बात का मजा नहीं आने। नंबर बता दो आप। मेरे जी मोबाइल नंबर है 92-55-130-130 और 93-55-130-130, और हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है जो इसमें हम सांपों के बारे में जानकारी देते हैं, उसका नाम है स्नेक मैन हरियाणा, और हरियाणा के हर एक जिले में हम जाते हैं जी।